अगला चैलेंज है नौमान और प्रदीप के बीच में। अगले चैलेंज के लिए आई विल आस्क यू गाइस टू लुक दैट साइड। वो तब से बेचारे सूफी और किरी के बाद प्लानिंग करनी स्टार्ट हो गए थे कि वो लैडर कैसे चढ़ेंगे, वो कौन से लेवल तक पहुंचेंगे, सब कुछ सारा ध्यान उधर था। उधर से देखा कि वो जॉब वाली बॉल आ रही है। नौमान, यू नो व्हाट दिस इज? इसको जॉब बोलते हैं, इस स्पोर्ट को जॉबिंग कहते हैं। बेसिकली आप दोनों को एक एक करके इसके अंदर घुसना होगा। यहाँ से इसके अंदर जो आप एक और बॉल देख रहे हैं, आप लोग उसके अंदर होंगे। वंस यू आर इनसाइड देयर विल बी अ मार्क। यहाँ से आप शुरू करेंगे, पहले आप घास में होंगे और घास से नीचे जाते जाते आपको पानी में उतरना है। पानी में आपके सामने एक सफेद रंग का बॉय होगा, मार्क। आपको वहां तक पहुंचना है जिसने पहले किया, कम टाइम में किया, वो जीत गया। काफी कंफ्यूज थे कि हम लोग कैसा करेंगे, पहले कभी किए नहीं और ये काफी प्रोफेशनल स्पोर्ट है, तो डर लग रहा था कि कैसे होने वाला है उसके अंदर, काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक, ऑक्सीजन देगा या नहीं रहेगा, कितना फास्ट घूमेगा, हम गिरने वाले हैं या खड़ने वाले हैं, तो काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन था। ऑक्सीजन की आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इसके अंदर इतनी ऑक्सीजन है कि आप 3 दिन तक इसके अंदर रह सकते हैं। चिंची कर लो, आपने जो चिट उठाई है उस पे लिखा है नंबर 2, मतलब आप सेकंड जा रहे हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ समथिंग इज बेटर दैट यू सी क्या हो रहा है और फिर सेकंड मैं करूं। तो मैं ये चाह रहा था कि प्रदीप पहले जाए और मैं उसके मिस्टेक से सीखूं। बाजी फर्स्ट, यू गोइंग फर्स्ट, अंदर जाओ, जितनी जल्दी करो कि वो नर्वस। ऑलराइट, कम। जब मैं बॉल के अंदर गया तो मैंने वही 2-3 टिप्स दिमाग में रखी हुई थी कि जब घास पे होऊंगा तो धीरे धीरे चलूंगा और जब वो स्लाइड आएगी तो वहां पे तेज तेज दौड़ूंगा। सुदीप रेडी? 3, 2, 1 गो। मैंने जब टास्क स्टार्ट किया तो काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था कि गिर ना जाऊं, क्योंकि गिर जाता तो उठने में काफ़ी टाइम लग जाता, तो वो टाइम मुझे काफ़ी भारी पड़ सकता था। तो मैंने धीरे धीरे अपनी पेस बनाई। पर था मैं तब तक तो ठीक था, जब बॉल एकदम से पानी में गई, जब मैं रोल कर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो एक ही जगह पर रोल हो रही है, तो मुझे लग रहा था मेरी सारी एनर्जी वेस्ट जा रही है। प्रदीप ने जब स्लोप से नीचे गया, वो पहला स्लोप जो था ग्रास के बाद, वहाँ पे बहुत स्लो गया, तो मोमेंटम जब पानी में गया बहुत ही कम था, तो उसको अपने आप वो पेस बनाना पड़ा। के पास पहुंच गया था तो वो फ्लैग को क्रॉस करने की कोशिश नहीं कर रहा था, फ्लैग की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, और इसी में उसका काफी क्या बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। वहां पर भी काफी जान लग रही थी पानी में बॉल को आगे पहुंचाने में, तो पानी में मैं एक आधा बार थोड़ा सा बैलेंस खराब भी हुआ, गिरा भी। प्रदीप ने ठीक ही हैंडल किया, लेकिन एक पॉइंट जो मैंने देखा था, प्रदीप आगे गिर जा रहा था तो उसे स्पीड कट रही थी, तो मैंने वो ही देखा और सोचा कि मैं वो ही गलती नहीं करने वाला। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड स्टे जितना अपराइट हो सके उतना अपराइट रहूंगा और फास्ट चलाऊंगा। कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार गेम है। तेरे को लगता है कि नौमी तुझसे जल्दी कर लेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे लगता है एक बार भी गिरा नहीं मैं। फाइनली तेरे को लगता है तू जीत जाएगा आराम से? आराम से नौमान में ऐसी क्या चीज़ें
नहीं है जो तेरे में? मेरे ख्याल से पैशन नहीं है उसमें। पैशन नहीं है? वो ठंडा लग रहा है काफी, नहीं कर पाएगा। नहीं रोमान, इट्स योर टर्न। अच्छा तुम स्पीड कर दोगे? हाँ करना ही है, ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, बेस्ट लक। थैंक यू। जब वहाँ पे हमारे एक ऑस्ट्रेलियन इंस्ट्रक्टर थे जो प्रोफेशनल थे ये टास्क के लिए, तो मैंने उनको काफ़ी कुछ पूछा कि टास्क कैसा करते हैं और हाउ कैन, कौन से जगह पे फास्ट जाना है, कहाँ पे स्लो जाना है, पानी पे कैसा इफेक्ट होगा। काफ़ी मैंने उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जो हेल्प मिल सकता था टास्क करने में। जब मैं अंदर गया मैंने एक ही चीज़ सोची कि मुझे रोडीज में वापस आना है और जितनी जल्दी हो सकते वो फ्लैग के पास पहुँचना है। तो मैंने एक सेकंड के लिए मेरी आग बंद की और सोचा कि ये एक ही चांस है अपनी लाइफ बनाने का, अगर मैं उस पार पहुंच गया तो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो एक मिनट का स्पैन मेरी लाइफ बदल सकता है। ऑलराइट नोमान, 3, 2, 1, गो। तब मैंने इतना जुनून आया कि भागो, जितना जोर से हो सकता है भागो। तो मैंने टेक्निक अपने माइंड में रख के भागा, आगे की तरफ बढ़ा और जब स्लोप के पास आ गया तो बॉल बहुत ही जोर से मूव होने लगा। तो मैं भी ट्राई किया कि उसके साथ पेस कीप अप करूं, लेकिन हुआ नहीं। डर गया, लेकिन कहते हैं रेस में जो गिर के उठता है वो ही जीता है, तो मैंने मेरे मन में वो ही था। उठा मैं वापस, रिकवर किया और मुझे थोड़ा बहुत वो रूडीज का फ्लैग दिख रहा था और रूडीज मेरे लिए एक गेम था, तो मैं सोचा था कि जितना जल्दी उसके साथ पास पहुंच सकूं उतना अच्छा, और मैंने अपनी जान लगा दी। मैंने समझ लिया कि इसने इतना तो देख लिया मेरे टास्क से कि अगर हम तेज़ दौड़ के भी करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और गिर भी जाएं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जब मैं फ्लैश थोड़ा ही दूरी पर था तब वहाँ पे बहुत थोड़ा अटक गया था, तो मैंने सोचा कि मुझे सबसे ज़्यादा एफर्ट अभी डालना है, जितनी जान हो सके, जितना एफर्ट हो सके, चाहे पसीना या मेरी सांसें फूल रही थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाल के फाइनली फ्लैग तक पहुँच गया। आना ही चाहिए, मेरे लिए वो एक सपोर्ट है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एंड आई नो कि इफ ही इज देयर सो आई कैन सक आउट एनीवन। मजा आया? बहुत मजा आया। तुम्हें लगता है तुमने जल्दी कर दिया प्रदीप से? मेरे ख्याल से मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया मेरे पास। बट लेट्स सी, गेट बैक। प्रदीप, नॉमी कैसा लगा टास्क? बहुत मजा आया, इट वाज इंटरेस्टिंग। मजा टास्क है लेकिन फिजिकली चैलेंजिंग है कि नहीं? हां, जब पानी में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है क्योंकि बॉल का अपने आप स्पीड नहीं बनता, बनाना पड़ता है स्पीड पानी में। प्रदीप, आपने 1:06 लिए वहां तक पहुंचने के लिए, और नौमान ने 38 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि नौमान आप एक बार फिर से रोडी बन चुके हैं। कंग्रेचुलेशन। प्रदीप, क्यों यार? पता नहीं, शायद फर्स्ट गया था इसलिए, बट वो एक्सक्यूज नहीं है, मैं हार रहा हूँ। उसने बहुत अच्छा किया, उसने काफी अच्छा किया। संदीप, तेरा दोस्त जा रहा है, कोई वोट आउट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्लियरली उसने कहा था मुझे परफॉर्म करना है, मैं परफॉर्मेंस के लिए और रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, उसने किया, शान के साथ जा रहे होंगे। Are you gonna miss him? Yeah. Say something to him?
बंदे ने जो कहा उसने किया, वो शान से आया था, शान से गया, परफॉर्म करना चाहता था, परफॉर्म करने का चांस मिला। थैंक्स फॉर बीइंग हियर ब्रदर। वन मोर टाइम। वेल डन। टेक केयर। होटल जाओ, सामान बांधो, गाड़ी इंतजार करेगी। से बाय प्रदीप। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। बुला तो बुला।